आज से अगर 2 या 3 दशक पहले की बात की जाए तो सब कुछ अलग था। हमारा जीवन इतना आसान नहीं था, हर व्यक्ति मेहनत कश था और जीवन बेहद ही परिश्रम भरा था, लेकिन बचपन बड़ा ही शानदार था। आज भी कुछ बातें सामने आती हैं जो हमें बचपन की याद दिलाती हैं। आज जहां बच्चों का जीवन स्कूल की कॉपी किताबों के अलावा कंप्यूटर और स्मार्टफोन में खो चुका है, पुराने दिनों में सब कुछ अलग था। ना तो पिज्जा बर्गर और तरह तरह के खाने के विकल्प थे और ना ही मोबाइल जैसे मनोरंजन के साधन। सब कुछ अलग था, खाना पीना, शिक्षा का तरीका, खेल खिलौने और हमारे संस्कार भी। आज 21वीं सदी के बदले हुए इंटरनेट वाले युग में हम जी रहे हैं, जहां एक मोबाइल से सब कुछ हो जाता है, लेकिन कुछ यादें आज भी पुराने दिनों की याद दिला जाती हैं। अब जरा इस खाने वाली इस अजीबोगरीब मिठाई को ही देख लीजिए, जो आज लगभग विलुप्त होने की कगार पर है, लेकिन 2 या 3 दशक पहले जब डुगडुग की आवाज मोहल्ले से आती थी तो एक बच्चा अपनी माँ से 10 या 25 पैसे की जिद करता था और पैसे मिलते ही डुगडुगी वाले का पीछा करके अपने पसंद का मुर्गा, मछली, कुत्ता, शेर या कई अन्य चीज बनवाकर बड़े चाव से खाता था। आज भी जब एक युवक को डुगडुगी बजाते देखा तो पुराने दिन याद आ गए, जिसमें देखा कि अधेड़ उम्र का व्यक्ति बच्चों की तलाश में घूम रहा था, लेकिन कोई बच्चा उसके पास आने को तैयार नहीं था। इक्का दुक्का एक अजीब चीज को खरीद रहे थे, जबकि कुछ नए जमाने के माता पिता अपने बच्चों को समझा रहे थे, इसे मत खाओ, यह हाइजीनिक नहीं है। शायद बदलते समय की मांग में अब यह मिठाई का कोई स्थान नहीं रह गया, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग इस पुरानी मिठाई को आज भी बेचकर बच्चों की तलाश में गांव-गांव और शहर-शहर घूम रहे हैं। लाल जी, लाल जी कहाँ रहते हो? उरई। ये क्या बना रहे थे? मोर। अच्छा, क्या क्या बनाते हो? ये सांप, बिच्छू, चिड़िया, मोर, मुर्गा, मुर्गी, चप्पल, हार, 10 रुपए वाला स्कूटर, मोटरसाइकिल, 20 रुपए में शक्तिमान, 30 रुपए मम्मी पापा। अच्छा, कब से कर रहे हो ये काम? हमको कम से कम 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। पहले ये सब चीजों का बहुत चलन था, अब कम हो गया। कम हो गया, लेकिन अभी बच्चे पसंद करते हैं? हाँ, करते हैं। किस चीज, किन चीजों से बनता है? शक्कर है, नींबू है, गाद है, दूध है। अच्छा, ये कई रंग, कितने रंगों का होता है? 2 रंग का, तिरंगा होता है। 3 रंग का होता है। अच्छा, तो उरई से कहाँ पैदल पूरे आप? नहीं, वो मैजिक से आते हो, उरई से 40 रुपए किराया लगता है। अब यहाँ से मैजिक से जाएंगे 40, यहाँ से लगेगा। कितना कमा लेते हो प्रतिदिन? मिल जाता है अभी 500 रुपए दुकानदारी होती, 100-150 रुपए मिल जाता है हमको। अच्छा, पहले और अब में कुछ अंतर नज़र आता है? हाँ, फर्क है। फर्क है, पहले क्या अच्छा था या अब अच्छा है? हाल ठीक है, अब महंगाई तो है ही, वो तो महंगाई अभी देख रहे कि महंगाई है। महंगाई उसका उसकी कमाई होनी होती है। क्या बनवा रही हो? मोर। खाया पहले, कैसा लगता है? नहीं, नहीं खाया। कैसा लगता है? नहीं खाया, पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं, पता। खाकर बताओ कैसा लग रहा है, कैसा है? हाँ, अच्छा है। कैसा है, मीठा है, खट्टा है? मीठा। अच्छा है। कालपी से मनोज पांडे के साथ देवीश कुमार सोनकार की रिपोर्ट। संस्कार सेवा समर्पण, शिक्षा के माध्यम से देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाना है हमारा उद्देश्य। हम हैं श्री राउतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन झांसी। बी फार्मा, डी फार्मा, बीएड, बीए और आईटीआई डिप्लोमा के लिए आज ही एडमिशन लें। उन्नाव बालाजी मार्ग, भोजला मंडी के पास, ग्राम आरी, झांसी। कॉन्टैक्ट 7068280627, 7068280628। PK University, build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic Diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri. कृषि के क्षेत्र में सवारें अपना भविष्य, आज ही एडमिशन ले जिले का सबसे उत्तम कृषि महाविद्यालय श्याम राघवेंद्र कृषि महाविद्यालय व डिग्री कॉलेज, BSc कृषि, BA, BCom, BSc मैथ्स, बायो, श्याम राघवेंद्र कृषि महाविद्यालय, ग्राम धबाकर, मऊरानीपुर, झांसी। कॉन्टैक्ट 7470082279।